हेलो एंड वेलकम टू टेक डॉक। टेक कंपैरिजंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चार मोबाइल फोन के कंपैरिजन की, ओनर 9 लाइट, वीवो V5S, ओप्पो F3 और मी A1 की। पीछे से भी ये कैसे दिखते हैं हम जरा देख लेते हैं। ओनर 9 लाइट और मी A1 में ड्यूअल कैमरा और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाई देता है, जबकि वीवो V5S और ओप्पो F3 में सिंगल कैमरा और फ्लैश लाइट सभी में है। फीचर्स के कंपैरिजंस की बात करें तो जनरल फीचर्स है, GSM ड्यूअल सिम, 2G, 3G, 4G सभी में है। सबसे नया फोन यहाँ पे ओनर 9 लाइट है, जो जनवरी 2018 में रिलीज हुआ है, और एंड्रॉइड 8 के साथ दो फोन है, मी A1 भी इसके साथ जुड़ता है, जबकि मी A1 एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के अंडर है। डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट और 3200 mAh की सबसे बड़ी बैटरी के साथ ओप्पो F3 ये दोनों सेक्शंस में लीडिंग है। डिजाइन की बात करें तो सबसे पतले फोन, सबसे थिन फोन यहाँ पे दो हैं, ओप्पो F3 और मी A1, दोनों की थिकनेस यहाँ पे 7.3 mm की है। ओनर 9 लाइट ड्यूअल ग्लास और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ है, जबकि बाकी के सभी में एक ही साइड ग्लास है। एल्यूमिनियम बॉडी सभी में है, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम ओनर 9 लाइट देता है। 149 grams के साथ सबसे लाइट वेट फोन भी ओनर 9 लाइट है, और चार कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको दो फोन ओनर 9 लाइट और मी A1 दे रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में डिस्प्ले में ओनर 9 लाइट विनर है। सबसे बड़ा फोन 5.65 inch का है, 1080x2160 pixels, 18x9 फुल बॉडी स्क्रीन, 428 ppi की डेंसिटी और 75.5% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ ओनर 9 लाइट डिस्प्ले में विनिंग है। जबकि यहाँ पे प्रोटेक्शन के मामले में ओप्पो F3 कोनिंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 में है। कॉमन फीचर्स यहाँ पे सभी में IPS LCD है, कैपेसिटिव मल्टी टच है। प्रोसेसिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी के सभी ऑक्टा कोर है, कॉर्टेक्स A53 बेस्ड 64-bit आर्किटेक्चर में है। सबके प्रोसेसर्स यहाँ पे अलग अलग है। सबसे ज्यादा क्लॉकिंग यहाँ पे ओनर 9 लाइट 2.36 GHz की देता है। GPU अलग अलग है, जबकि वीवो V5S और ओप्पो F3 में सेम GPU है। अंतुतु स्कोर जो परफॉर्मेंस का बेंचमार्क है उसकी बात करें तो ओनर 9 लाइट में 75,000 का अंतुतु है, जो सबसे आगे है, और ओप्पो F3 में 68,000 का अंतुतु है, जो थोड़ा पीछे है। मी A1 60,000 है, जो मीडियम रेंज का यहाँ पे कहा जाएगा, और वीवो V5S 41,000 के अंतुतु स्कोर के साथ सबसे पीछे है। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो ओनर 9 लाइट दो वर्जन में आता है, 32 और 64 GB में। दो फोन यहाँ पे आपको 256 GB तक एक्सपेंशन दे पा रहे हैं, वीवो V5S एंड ओप्पो F3। एक्सपेंशन की बात करें तो डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट और 256 GB के एक्सपेंशन के साथ ओप्पो F3 सबसे आगे है। रैम भी सभी में 4 GB है, जबकि ओनर 9 लाइट आपको 3 और 4 GB दो वर्जन दे रहा है। प्राइमरी कैमरा यहाँ पे ड्यूअल कैमरा प्राइमरी, दो पीछे कैमरा जैसे हमने पहले बात की ओनर 9 लाइट और मी A1 में है, यहाँ पे आगे मी A1 इसलिए है क्योंकि उसमें टेलीफोटो लेंस है। 12 मेगापिक्सल के दो शूटर पीछे लगे हुए हैं, 2.2 और 2.6 aperture के साथ। ड्यूअल LED भी वो ही दोनों में है। पिक्सल्स के मामले में मी A1 थोड़ा पीछे है, सभी में CMOS सेंसर से, जबकि मी A1 में कोई सेंसर की जानकारी नहीं है। 2x ऑप्टिकल जूम मी A1 दे पा रहा है, जो कि फोटोग्राफी की क्वालिटी बिगाड़े बिना ही आपको जूम मिल सकता है। वीडियो एंड सेकेंडरी कैमरा की बात भी यहाँ पे करें तो मी A1 में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो और किसी में नहीं है। फुल HD बाकी सभी में है। 1920x1080 60 frames per second में यहाँ पे आपको वीवो V5S ओप्पो F3 दे पा रहे हैं। ओप्पो F3 और ओनर लाइट में आगे दो कैमरा है, जिससे ओनर 9 लाइट चार कैमरा वाला फोन बन गया है। फ्लैश भी सभी में अलग अलग है। LED फ्लैश ओनर 9 लाइट में है, जबकि सॉफ्ट लाइट फ्लैश V5S में है। स्क्रीन फ्लैश ओप्पो F3 में है, और मी A1 में कोई फ्लैश नहीं दी गई है। सेंसर्स की बात करें और अदर फीचर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी लाइट, GPS, AGPS, ब्लूटूथ, कंपास, वाईफाई, फिंगरप्रिंट सेंसर, लाउड स्पीकर और 3.5 mm जैक सभी में है। गायरो सभी में नहीं है, जो यहाँ पे गलती से लिखा गया है। मी A1 ही गायरो दे पा रहा है। ब्लूटूथ का 4.2 सबसे नया वर्जन दो में है, ओनर 9 लाइट और मी A1 में, और दो रियर फिंगरप्रिंट वाले हैं, दो फ्रंट फिंगरप्रिंट वाले हैं, जैसे हमने पहले बात की। टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर यहाँ पे मी A1 ही दे पा रहा है। FM रेडियो ओप्पो F3 में नहीं है, बाकी सब में है, जबकि मी A1 में वो एनेबल्ड करना पड़ता है। SAR वैल्यूज की बात करें, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट कितना वो नुकसान करता है आपको, तो वीवो V5S सबसे कम SAR वैल्यू, माने के सबसे अच्छा फोन है हेड के मामले में, 0.599 की, जबकि मी A1 में 0.17 की बॉडी SAR वैल्यू, जो सबसे कम है, वो आपके लिए अच्छी बात है। वर्डिक्ट
की बात करें यहाँ पे तो Honor 9 लाइट में क्वाड कैमरा है, लेटेस्ट है, ओरियो है, ड्यूअल ग्लास विद एल्यूमिनियम फ्रेम है, लाइट वेट है, लार्जर स्क्रीन विद मोर पिक्सल्स, मोर डेंसिटी है, हाई स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और हाईएस्ट एंटूटू स्कोर है। Vivo V5s में लीस्ट सार हेड वैल्यू है, सेल्फी कैमरा अच्छा है, सॉफ्ट लाइट फ्लैश भी सेल्फी के लिए बहुत ही अच्छी है। ओप्पो F3 में डेडिकेटेड मेमोरी स्लॉट है, 3 मोबाइल है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 है और ड्यूअल सेल्फी कैमरा है। मी A1 में 12+12 मेगापिक्सल का रियर लेंस है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग दे पा रहा है, एंड्रॉइड ओरियो अपडेट के बाद ये कर पा रहा है, क्विक चार्ज है, 3 मोबाइल है, एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम में है जो स्मूथ है, 2x ऑप्टिकल जूम है, लीस्ट सार बॉडी वैल्यू है, गायरो सेंसर, टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर और लीस्ट कॉस्टली 64GB इन चारों में से है। सो यहाँ पे आप मुझे अगर नंबर देने की बात करें तो मी A1 नंबर 1 मैं दूंगा, Honor 9 लाइट नंबर 2 दूंगा, ओप्पो F3 नंबर 3 दूंगा और Vivo V5s को लास्ट 4th नंबर दूंगा। सभी के प्राइस यहाँ पे लिखे गए हैं। ऑलमोस्ट 11,000 में 32GB Honor 9 लाइट मिल रहा है और 15,000 में 64GB मिल रहा है, 16,000 के करीब V5s मिल रहा है जबकि 17,000 के करीब F3 मिल रहा है और 14,000 लीस्ट कॉस्ट में Mi A1 यहाँ पे मिल रहा है। सभी के सभी Flipkart पे अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।